नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पांचवा भाग हम कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 100x² - 20x + 1 = 0। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि x² का जो गुणांक है वो है 100 और बिना x वाली जो रकम है वो है 1। तो हम सबसे पहले आप जानते ही हैं कि इन दोनों को गुना करके देखते हैं। 100 को 1 से गुना करके हमारे पास आया है 100 और प्लस इनटू प्लस, इसके साथ निशान भी है प्लस। अब हम 100 के फैक्टर देखेंगे। 100 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 × 100, 2 × 50 100 होता है, 4 × 25 भी 100 होता है और 5 × 20 भी 100 होता है। इसके अलावा और किसी भी पहाड़ में 100 बच्चों नहीं आता है ना। तो अब हमें देखना है इन दोनों में से, इन सभी में से किसको प्लस या माइनस करके, एक और भी रह गया सॉरी, 10 × 10 भी 100 होता है। तो इन दोनों में से, इनमें से देखना हमें किसको प्लस या माइनस करके बीच वाली रकम 20 बनती है। देखो 100 में एक प्लस किया 101, 100 में से एक माइनस किया 99, ये ग्रुप हमें नहीं चाहिए। 50 में 2 प्लस किया 52, 50 में से 2 माइनस किया 48, ये वाला जोड़ा भी हमें नहीं चाहिए। 25 में 4 प्लस किया तो 29, 25 में से 4 माइनस किया तो 21, ये भी हमें नहीं चाहिए। 20 में 5 प्लस कर दो 25, 20 में से 5 माइनस कर दो 15, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए? 20 चाहिए हमें। 10 में 10 प्लस करके आता है 20 है ना, इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। बाकी ये चार जोड़े जो है हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो जैसे हम पहले करते आए, पहली रकम ऐसे ही लिख दो, आखिरी रकम भी ऐसे ही लिख दो, बीच में रह गया माइनस 20x, तो यह है 10 10, दोनों के साथ ही x लगा देंगे। अब रह गया इनके बीच का निशान। तो यहां देखेंगे ये 100 प्लस का था, इसका मतलब इन दोनों का निशान एक जैसा होगा। एक जैसा यानी या तो दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। तो कैसे पता चलेगा प्लस के होंगे कि माइनस के? उसके लिए हम यहां देखेंगे, ये निशान है माइनस, इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। अब हमें क्या करना है, पहली दो रकमों का अलग जोड़ा बना दो, दूसरे आखिरी दोनों पदों का अलग एक जोड़ा बना दो। अब इसमें से देखो यह है 100x², यह है 10x, तो पहले तो ये दोनों 10 के पहाड़ में आएंगे, 100 भी और 10 भी, तो इसलिए 10 कॉमन। दूसरी बात, यहां x² है यहां x, तो एक x कॉमन। 100x² को जब 10x से भाग करेंगे, क्योंकि 10x कॉमन है तो इसको भाग करेंगे, 100 से 10 को भाग किया तो बाकी बचा 10, x² को x से भाग किया तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा माइनस। 10x में से 10x ही कॉमन है तो बाकी बच गया एक, क्योंकि 10x को जब 10x से भाग करेंगे तो एक आएगा। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, यह है 10x - 1, लेकिन यह है -10x + 1, ये रकमें एक जैसी हैं, बस इनके साइन उल्टे हैं। इन साइंस को सीधा करने के लिए मैं इसमें से -1 को कॉमन लूंगा। -1 कॉमन लेते ही इन दोनों के निशान बदल जाएंगे। ये -10 है, अब ये बन जाएगा 10x, ये +1 था, माइनस कॉमन लेते ही अब ये बन जाएगा -1। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी है 10x - 1, यहाँ भी है 10x - 1, तो 10x - 1 कॉमन। इसमें से 10x - 1 बाहर चल गया तो बाकी कितना बच गया? 10x, और इस रकम में से 10x - 1 बाहर कॉमन चला गया तो बाकी बच गया -1। इसके साथ था बराबर 0 और इसके साथ भी है बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में गुना होके 0 आ रही हैं, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये ब्रैकेट 0 होगी, क्योंकि दो नंबरों को गुना करके 0 तभी आता है जब उन दोनों में से एक नंबर 0 हो। इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट है 10x - 1, ये 0 के बराबर है, दूसरी ब्रैकेट भी है 10x - 1, ये या तो 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखो 10x बराबर है, ये -1 है, उधर जाएगा तो 0 + 1 हो जाएगा, वो बन गया 1, x बराबर आ गया 1, 10 यहाँ x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो गया भाग। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 10x बराबर -1 है, उधर जाके 0 में +1 हो जाएगा तो 0 + 1 हो गया 1, तो x आ गया 1, 10 इधर गुना हो रहा है, उधर जाके हो गया भाग। x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10, ये आ गए इस समीकरण के हल, ये आए हैं इस समीकरण के हल। हमें निकालने हैं समीकरण के मूल। तो
तो हम लिखेंगे जैसा कि पिछले भागों में करते आ रहे हैं, समीकरण के मूल हैं 1/10, 1/10, ये हैं समीकरण के मूल। बच्चों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आएगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।